साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने दी पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि। कहा उन्होंने भारत को और समृद्ध बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। गहलोत का दिल्ली दौरा, तीन राज्य सरकार कांग्रेसी उम्मीदवारों का राजस्थान में बड़े बंदी की तैयारी। यूक्रेन में भारतीय छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज, गन पॉइंट पर रख कर दे रहे हैं धमकी। लखनऊ में बुक्कल नवाब के बेटे पर एफआईआर दर्ज, मतदान का वीडियो बनाने पर बाराबंकी में भी कार्रवाई। मणिपुर के पहले चरण में 38 सीटों पर वोटिंग जारी, सीएम वीरेंद्र सिंह ने वोट कर किया जीत का दावा। रूसी सेना को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे यूक्रेनी लोग, सेलिब्रिटी से लेकर आमजन तक उठाए हथियार। यूक्रेन में भारतीय छात्रों पर सिक्योरिटी फोर्स का हमला, जंग छोड़ बैंक और स्टोर लूट रहे रूसी सैनिक। भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया से रवाना हुई पांचवी उड़ान, पोलैंड सीमा पर लगाई गई 10 बसें। मामले में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में केवल 8013 नए मामले आए सामने, मौत के मामले भी घटे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 80% जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं किए गए तो नहीं मिलेगा फंड। डोज के तौर पर कोवैक्स के परीक्षण की मांगे, अनुमति वयस्कों पर किया जाएगा डोज। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू तक कई पाबंदियां खत्म, पूर्णता के साथ दौड़ने लगी दिल्ली। कुमार पर शिवानंद तिवारी का तंज, बोले बिहार की गरीब जनता का पैसा उड़ा रहे सीएम। पंजाब के पानी की वसूली के लिए लिप सख्त, बैंस बोले चन्नी सरकार राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली को पानी की कीमत का बिल सौंपे। सचिव मेहता ने दिए निर्देश, एक सप्ताह के भीतर लगवाए सभी योग्य लोगों को दूसरी डोज। यूक्रेन में फंसी लखनऊ की छात्रा का वीडियो ट्वीट कर प्रियंका ने लगाई मदद की गुहार, कहा मन बहुत व्यथित है। महाराष्ट्र पुलिस के वाहन पर प्रयागराज में हमला, उपद्रवियों ने ईंट और पत्थर से तोड़ा बस का शीशा। गोरखपुर में बोले अखिलेश यादव, गर्मी नहीं युवाओं के लिए भर्ती निकालेगी समाजवादी पार्टी। नेपाल बॉर्डर तक दौड़ रहा मोदी योगी का डबल इंजन, नेपालियों की इच्छा फिर बने भाजपा सरकार।
प्रधानमंत्री ने काशी में कार्यकर्ताओं की बूथ का जीत का दिया मंत्र, बाबा दरबार में लगाई हाजिरी। विधानसभा चुनाव में लगेंगे 92 बाड़े और 1418 वाहन, जिला निर्वाचन अधिकारी ने भेजी डिमांड। पूर्वांचल के सियासी रण में समाजवादी पार्टी की तैयारी तेज, अखिलेश ममता की जनसभा 3 मार्च को। संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एपीआई अपलोड, आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिनों का मौका। भारत में कब आ सकती है कोरोना की चौथी लहर, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने शोध में बताया पूर्वानुमान। पुष्पक एक्सप्रेस वे यात्रियों के साथ दौड़ रहा करंट, एलएचपी कोच के इलेक्ट्रिक बोर्ड से बाहर लटके तार। सपा कांग्रेस पर बरसी स्मृति ईरानी, बोली ये कैसा अद्भुत गठबंधन, सवाल अखिलेश से जवाब दे रही प्रियंका। पीएम नरेंद्र मोदी का आश्वासन, भारत का हर बेटी बेटा यूक्रेन से आएगा सुरक्षित, चल रहा ऑपरेशन गंगा। में सपा प्रत्याशी पर हुए हमले की चुनाव आयोग से शिकायत, वोट देने वालों को रोकने का आरोप। एक माह से पटरी पर लौटेंगी कई प्रमुख ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत। महाराजगंज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सपा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब। छठे चरण में सभी पार्टियों ने पूर्वांचल में झोंकी ताकत, मैदान में उतरे दिग्गज। तेल कंपनियों ने रोडवेज बसों के लिए बड़ा डीजल का मूल्य, बढ़ सकता है बसों का किराया। भाजपा सांसद संगमित्रा पर पडरौना में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। योगी के गढ़ में गरजे अखिलेश यादव, गोरखपुर में रोड शो कर दिखाई ताकत। गोरखपुर में बोले असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव की गलती से सत्ता में आई भाजपा। मंत्री केशव मौर्य बोले अभी आराम कहां, बाकी है 2 चरणों का जिद्दोजहद। मुजफ्फरनगर में बंधक बनाकर 2 घरों में लाखों की डकैती, अधिकारी मौके पर पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा वादा खिलाफी के विरोध में 13 से होगा आंदोलन, मुद्दों से मुकर रही सरकार। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों से विवाहिता की हुई मौत, खेत में मिला युवती का शव। बलरामपुर में छठे चरण के प्रचार में जुटी अनुप्रिया पटेल, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हुआ जनसभा का आयोजन।
गाजियाबाद में इंसाफ के लिए भटकते दिखे पीड़ित के परिजन, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कुशीनगर में सपा सुप्रीमो का हुआ जोरदार स्वागत, भाजपा सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। मैनपुरी में यूक्रेन में फंसे मेडिकल के छात्र छात्राएं, परिजनों ने पीएम से लगाई गुहार। मिर्जापुर में अखिलेश पर बरसे भाजपा सांसद मनोज तिवारी, कहा अखिलेश भैया टोटी वापस कर दो। मायावती ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा हाथी मुख्यमंत्री की नींद उड़ाए हुए। यूक्रेन से आए उत्तराखंड के 7 छात्र, अब तक पहुंच चुके हैं 22 छात्र। हल्द्वानी बार एसोसिएशन के लिए वोटिंग, अध्यक्ष सचिव और उपाध्यक्ष में त्रिकोणीय मुकाबला। नैनीताल में डीआईजी आवास के पास ही चोरों ने दुकान खंगाली, फिर लगा दी आग। प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट, वरिष्ठ नेता को सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बोले, प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है कांग्रेस। यूक्रेन से लौटी ऋषिकेश की आयुषी, बोली मुंबई से दून आने के लिए नहीं मिली मदद। रुड़की में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, ओटीपी लेकर खाते से निकाले थे 2 लाख रुपए। नैनीताल की उर्वशी और प्रेरणा युद्धाग्रस्त यूक्रेन से लौटी दिल्ली, स्वजनों ने सरकार का जताया आभार। बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के पहाड़ पर्यटकों से गुलजार, रोपवे से औली पहुंचे 45,000 सैलानी। रुड़की में जामताड़ा के 2 साइबर ठग गिरफ्तार, 190 अकाउंट से करोड़ों रुपए पर किया था हाथ साफ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अतुल्य गंगा साइक्लाथान का किया रवाना। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने हरीश रावत पर कसा तंज, कहा कांग्रेस के लिए बोझ बनते जा रहे हैं हरदा। रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड ने राजस्थान की टीम को 299 रनों से दी शिकस्त। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत समाज में की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड टीईटी के रिजल्ट को लेकर परिषद सचिव ने दी अहम जानकारी। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत पहुंचा यूक्रेन, हमला बंद करने के लिए रूस को तुरंत आदेश देने का किया आग्रह।
अग्रणी महिला सांसद को भारत से उम्मीद, कहा इंडिया को लोकतांत्रिक देशों का करना चाहिए समर्थन। खेल से लेकर हवाई क्षेत्र तक रूस पर नए प्रतिबंधों की मार, कनाडा और ईयू ने बंद किए अपने एयर स्पेस। परमाणु संयंत्रों के लिए खतरा पैदा करने वाले कदमों से बचे आईएएस की अपील, पोप ने किया यूक्रेन की मदद का आह्वान। यूक्रेन को हथियार मिलने के लिए सिलसिला जारी, अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत कई देशों ने भेजी मदद। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने पड़ोसी देशों में जाएंगे मोदी कैबिनेट के 4 मंत्री। यूक्रेन में फंसे भारतीयों से मारपीट, राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर कहा हम अपनों को नहीं छोड़ सकते। यूक्रेन को जल्द मिलेंगी 500 मिसाइलें और 1000 टैंक रोधी हथियार, जनवरी ने लिया बड़ा फैसला। मेरी हत्या कराना चाहते हैं पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति का आरोप, कीव में एयर अलर्ट। बेलारूस में शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ यूक्रेन, पुतिन ने परमाणु बलों को अलर्ट पर रखा। सरकार का बड़ा फैसला, आसमान छूती महंगाई के बीच अभी नहीं बढ़ेगी आपके लोन की ईएमआई। अब 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ी खबर, जल्द वन टाइम सेटलमेंट करेगी सरकार। रूस पर गूगल का एक्शन, रूसी सरकारी मीडिया के यूट्यूब चैनल का किया डीमोनेटाइज, अब गूगल के प्लेटफॉर्म से इनकम नहीं होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ाई ब्याज की दर। स्कोडा स्लाविया आज होगी लॉन्च, होंडा सिटी और वर्ना को देगी टक्कर। एफपीआईज ने फरवरी में भारतीय बाजारों से निकाले 35,506 करोड़ रुपए, मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ा बहिर्वाह। आईआरसीटीसी 1,000 रुपए रोज में कराएगी राम जन्मभूमि से लेकर पूरी गंगा यात्रा। टेक शो में रूसी कंपनियां बैन, मोबाइल वर्ल्ड में कांग्रेस, 2022 से नहीं मिलेगी रूसी कंपनियों को एंट्री, टिम कुक ने एप्पल स्टोर ब्लॉक करने की अपील। सरकार बेच रही है सस्ता सोना, सिर्फ 5,059 रुपए में खरीदे, 4 मार्च है बिक्री की आखिरी तारीख। मोटापे ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, हाई सुगर और फैट वाले खाद्य पदार्थों पर लग सकता है टैक्स। अग्रवाल होंगे पंजाब किंग्स के कप्तान, टीम ने 12 करोड़ में किया था रिटेन। पाकिस्तान सुपर लीग का चैंपियन बना लाहौर कलंदर्स, पहली बार जीत का खिताब, 41 साल के मोहम्मद हाफिज ने किया धमाकेदार प्रदर्शन।
इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड। टी20 में भारत ने किया लगातार 12 मैच जीने का कारनामा। तीसरे मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। दिग्गज स्पिनर सोनी रामदीन का निधन। एक मैच में 774 गेंद फेंक कर बनाया था विश्व रिकॉर्ड। दिल का दौरा पड़ने के बाद कोमा में गए दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। जिंदगी की जंग जारी। जीत के बाद रोहित शर्मा का खिलाड़ियों को खास मैसेज। टीम में अपनी पोजीशन के बारे में चिंता न करें। शाहीन अफरीदी सबसे कम उम्र में टी20 जीत लीग वाले कप्तान बने। रिजवान फाइनल में हारे। श्रेयस अय्यर ने लगाई 50-50 और 50 अकेले बनाए 200 रन से अधिक रन। टीम इंडिया को बड़ा झटका। आखिरी मैच से बाहर हुए ईशान किशन। दूसरे मुकाबले में बाउंसर को हुए थे इंजर। रोहित के साथ विराट हो सकते हैं ओपनिंग पार्टनर। नंबर 3 को श्रेयस अय्यर ने अपना बनाया पार्टनर। सिंगर को जीवन साथी की तलाश। मीका सिंह नेशनल टीवी पर करेंगे स्वयंवर। पूरे देश से शामिल होंगे कंटेस्टेंट। पादुकोण बिना मास्क के एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट। नेटिजंस ने किया ट्रोल। एक्ट्रेस श्रुति हसन हुई कोविड पॉजिटिव। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी जानकारी। चक्रवर्ती ने फरहान अख्तर शिवानी दांडेकर पर बरसाया प्यार। लिखा स्पेशल नोट। कंगना रनौत के धाकड़ 27 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी ये जानकारी। पीएम मोदी ने की तंजानिया के किली और नीमा की तारीफ। किली को 2.6 मिलियन लोग करते हैं फॉलो। कंगना रनौत ने सिद्धार्थ निगम को लगाई हथकड़ी। जवाब नहीं आया पसंद। लॉकअप में किया बंद। लॉकअप शो के पहले ही दिन कंगना रनौत से भिड़े मुनव्वर फारूकी। एक्ट्रेस से कहा मुझे धमकियां मत दीजिए। मौनी राय की शादी को पूरे हुए 1 महीने। माता की चौकी में पति सूरज नाम्बियार संघ की पूजा। रुबीना दिलाइक को लगी चोट। फैंस हुए परेशान। बिग बॉस सीजन 15 के विनर रही हैं रुबीना। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।